रुख करेंगे पंजाब राउंडअप का। होशियारपुर के थाना सदर के एएसआई जसवीर सिंह ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं एएसआई ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीएसपी जगदीश अत्री उनसे बदसलूकी करते हैं, जिसे परेशान होकर एएसआई ने खुदकुशी की कोशिश की। अमृतसर में हो रही बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल हरमिंदर साहिब के पास करोड़ों रुपए में बनी हेरिटेज स्ट्रीट पर पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। सवाना के मबीकला गांव की लापता हुई दो किशोरियों में से एक का शव भाखड़ा डैम में बरामद हुआ है। वहीं पुलिस दूसरी किशोरी की तलाश में जुट गई है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही। पठानकोट में सुरक्षा एजेंसी से मिल रहे इनपुट के चलते पुलिस ने शहर में चेकिंग अभियान चलाया है, और इसी के तहत पुलिस ने 40 नाके लगाकर हर वाहन की चेकिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान की तरफ से आतंकी वारदात की साजिश की जा रही है। लुधियाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को 450 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अब नशा तस्कर से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। कोटकपुरा में हुई जोरदार बारिश में कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की गई, लेकिन बावजूद समस्या जस की तस है। खन्ना के गांव बोपुर में एक 18 साल की लड़की ने अपने एक रिश्तेदार पर जमीन हड़पने के चक्कर में रेप की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। पीड़िता का कहना है कि जब वो अपने इरादों में नाकाम रहा तो उसके रिश्तेदार ने उसके प्राइवेट पार्ट पर प्रहार किया। मुक्तसर में 2 महीने पहले एक महिला के साथ हुई मारपीट के मामले में 10 आरोपियों में से 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से ही पीड़ित परिवार के आरोपी परिवार की तरफ से धमकियां मिल रही है, जिसके चलते महिला का परिवार डर के साथ जीने के लिए मजबूर है। मलेरकोटला में पानी की निकासी न होने से सीवरेज जाम हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और साथ ही तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही है। वहीं लोगों ने प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। लुधियाना में अवैध माइनिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक ट्रक चालक ने रेत से भरे हुए ट्रक को लेकर रेड लाइट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चालक इस कोशिश में नाकाम रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पंजाब में तीज का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। संगरूर में तीज के मौके पर महिलाओं ने सज धज कर गिद्दा भंगड़ा पाया और झूला झूला। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक की पत्नी सिमरत कौर ने भी शिरकत की। सरदार बेअंत सिंह की हत्या करने वाले लखविंदर सिंह को जमानत मिल गई है। लखविंदर सिंह की जमानत पर बाहर आने पर श्री अकाली तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह उनसे मिलने के लिए पहुंचे, और इस मौके पर लखविंदर सिंह ने कहा कि मुझे अकाल तख्त पर नाज है। अमृतसर पुलिस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एटीएम बदलकर लोगों को ठगने वाले एक गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 एटीएम कार्ड और 24,000 रुपए कैश बरामद किए। फाजिलका के गांव राजावाली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के चलते उस पर कस्सी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार किया। संगरूर पुलिस ने निहंग सिंह के पहनावे में लोगों से लिफ्ट मांग कर या गुरुद्वारे का रास्ता पूछ कर लूट करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक 32 बोर रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस और चोरी की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गिदड़बाहा पुलिस ने अलग अलग मामलों में वंचित 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पकड़े गए एक आरोपी पर गुरुसर में वारदात को अंजाम देने का आरोप है, वहीं दूसरे आरोपी पर गांव कोटली में गोलीबारी करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों से देसी कट्टा भी बरामद किया है। पिछली अकाली भाजपा सरकार के दौरान शेरपुर में बने अस्पताल को बिल्डिंग आज भी डॉक्टर्स का इंतजार देख रही है। जानकारी के मुताबिक करोड़ रुपए में बने अस्पताल में डॉक्टर्स की संख्या पूरी नहीं है, जिस वजह से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। गुरदासपुर में विधायक बरिंदर मीत सिंह ने सड़क हादसे के घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिसके बाद विधायक ने अपनी गाड़ी से घायलों को अस्पताल भेजा। वहीं विधायक ने लापरवाही
लापरवाह डॉक्टर्स और एम्बुलेंस के ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। फरीदकोट में अध्यापकों को ले जा रही कार पर पेड़ गिर जाने से उसमें सवार लोग घायल हो गए और घटना के बाद से जख्मी अध्यापकों को लोगों की मदद से गाड़ी से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि घायल में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। दीनानगर के गांव धमराई के पास नहर में एक युवक की लाश तैरती हुई मिली। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने लाश को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश गुरुपुरब की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सुल्तानपुर लोधी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में मत्था टेका और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।